सो हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू द योर प्रैक्टिकल क्लास। सो आज हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 5 और 6 देखेंगे, जिसपे हम लोग एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस बाय यूजिंग द स्फेरोमीटर। सो दिस इज योर एपरेटस विच इज कॉल्ड द स्फेरोमीटर, एंड टू डू दिस एक्सपेरिमेंट यू नीड टू मोर एपरेटस, दैट इज वन कर्व ग्लास एंड अदर वन इज द प्लेन ग्लास एज मैंशन हियर। तो अपैरेटस रिक्वायर्ड में है, हमारा एक स्फेरोमीटर हमें चाहिए, एक कर्व ग्लास चाहिए और एक प्लेन ग्लास चाहिए। तो इस स्फेरोमीटर अपैरेटस को यूज़ करके हम लोग दो एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो एज यू ऑल नो कि एक कर्व ग्लास में टू सरफेस होते हैं, ठीक है, वन विच इज लाइक द केव एंड द बल्जिंग वन, ठीक है। तो जो बल्जिंग सरफेस है उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस, एंड जो केव जैसा सरफेस है हम लोग उसे बोलेंगे कॉनकेव, दैट इज द कॉनकेव, ठीक है। दिस इज द कॉनकेव सरफेस। सो क्लियर अबाउट दिस वन, देन हम लोग थोड़ा अपैरेटस के बारे में देखते हैं कि दिस इज द अपैरेटस, एस दिस इज द अपैरेटस, ठीक है। तो इस अपैरेटस में हम लोगों का दो स्केल्स है, जैसे स्क्रू गज में दो स्केल्स थे, वन इज लीनियर स्केल एंड अदर वन इज सर्कुलर स्केल, वैसे ही इस अपैरेटस में भी दो सरफेस होंगे। वन इज द लीनियर स्केल एज इंडिकेटेड इन दिस डायग्राम, ठीक है, उसमें अराउंड 2 सेंटीमीटर होगा जो मेजरमेंट होगा, एंड अनदर वन इज द सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल में टोटल 100 divisions होंगे, ठीक है। सो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90, तो टोटल नंबर ऑफ divisions इन द सर्कुलर स्केल इज 100, ठीक है। दिस ये जो 100 divisions है इसको हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग पिच निकालेंगे, पिच या फिर जब लिस्ट काउंट निकालेंगे, तब हम लोग इसके टोटल नंबर ऑफ divisions को हम लोग ये हमें चाहिए होगा। सो इस डायग्राम जैसे आप लोग देख सकते हो, इसमें 3/4 होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे इस अपैरेटस में दिस वन इज द स्क्रू, ये जो है स्क्रू है जिसको हम लोग रोटेट करके एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस स्क्रू आप लोगों का यहाँ पर 3/4 है, 1, 2, 3, तो जिसको हम लोग डिनोट किए हैं ए फुट, ए बी एंड सी। सो एज यू कैन सी दिस 3 points ए बी सी विल मेक ए ट्राइंगल, है ना। सो 3 points है ए बी एंड सी, सो ये तीनों पॉइंट एक ट्राइंगल मेक करेंगे, ठीक है। इस ट्राइंगल का भी सिग्निफिकेंस हम लोग यूज़ करेंगे थ्योरी पार्ट में, ठीक है, जब हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, उसी फॉर्मूला में हम लोग फ्रॉम यूजिंग दिस ट्राइंगल वी नीड सम कैलकुलेशन। देन उसके बाद हम लोग आते हैं, सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस अपैरेटस एंड एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देन उसके बाद हम लोग आते हैं थ्योरी पार्ट में एंड वर्किंग फार्मूला पे। सो फॉर द थ्योरी पार्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज द पिच फॉर दिस अपैरेटस, देन व्हाट इज द लीस्ट काउंट फॉर दिस अपैरेटस। सो यहाँ पर हम लोग पिच को डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू हेड इन 10 complete rotation डिवाइडेड बाय 10। सो अगर इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो पिच इज नथिंग बट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू हेड इन 1 complete rotation है, ठीक है। सो देन उसके बाद बाय यूजिंग द पिच हम लोग लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, दैट इज पिच डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन द सर्कुलर स्केल, जो मैं यहाँ पर बोल चुकी हूँ दैट इज़ द 100। इसको हम लोग यूज़ करेंगे द थ्योरी पार्ट जिस और लिस्ट काउंट में, ठीक है। सो इसका वर्किंग फार्मूला है, हम लोगों को यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ठीक है, वन इज़ फॉर द कॉन्वेक्स सरफेस एंड अनदर वन इज़ फॉर द कॉन्केव सरफेस। तो उसको निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज़ आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 6h, डी स्क्वायर बाय 6h प्लस h बाय 2। सो
ये जो यहाँ पर H है, अच्छा दिस वन इज R, R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द गिवन सरफेस एंड H है हाइट ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस। सो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, फॉर इफ यू आर काउंटिंग फॉर द कॉन्वेक्स सरफेस, तो हम लोग अपैरेटस को ऐसे रखेंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पर जो हाइएस्ट पॉइंट का, ठीक है, दिस इज द हाइएस्ट पॉइंट फॉर दिस कर्व सरफेस। सो इस हाइएस्ट पॉइंट का जो हाइट निकलेगा, हम लोग उसको एच से डिनोट करेंगे, ठीक है, एंड टू कैलकुलेट डी, ठीक है, डी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो यहाँ पर थ्री पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, दैट इज ए बी एंड सी, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैंने जैसे बोला था कि ए बी सी को हम लोग यूज़ करके एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर डी काउंट कर रहे हैं, ठीक है। सो आप लोगों को एक प्लेन पेपर में यू हैव टू पुट द अपैरेटस, ठीक है। सो जहाँ पर वो पॉइंट ए होगा, ए एंड बी एंड सी, देयर आर थ्री पॉइंट्स, सो बाय जॉइनिंग दिस थ्री पॉइंट विल गेट ए ट्राइंगल, ठीक है। द एंगल बिटवीन द एंगल ऑफ द ट्राइंग ऑफ दिस ट्राइंगल इज ऑल 60 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस एंड बी सी का डिस्टेंस निकाल सकते हो बाई यूजिंग द प्लेन स्केल, ठीक है। सो विल गेट द ए बी डिस्टेंस, ए सी डिस्टेंस एंड बी सी डिस्टेंस। सो हम लोग यहाँ से डी का जो फॉर्मूला है वो है द डिस्टेंस ऑफ ए बी एडेड विद द बी सी डिस्टेंस प्लस ए सी डिस्टेंस होल डिवाइडेड बाय थ्री। सो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं डी का वैल्यू, और उसी डी का वैल्यू हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्लस एच बाय टू, एंड एच का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। सो देन हम लोग देखेंगे इसके टेबुलेशन पार्ट को। सो टेबुलेशन पार्ट को हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5 का, कैसे हम लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे, ठीक है। सो बाय यूजिंग, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर थ्री अपैरेटस चाहिए, दैट इज वन इज द स्पेरोमीटर एंड द कर्व ग्लास एंड द प्लेन ग्लास, ठीक है। सो हम लोग फर्स्ट टेबुलेशन देखेंगे, उसमें क्या था, टेबुलेशन फॉर मेजरिंग द हाइट ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस। सो एज यू कैन सी इस ग्लास में ये जो सरफेस है, ठीक है, दैट इज द कॉन्वेक्स सरफेस। तो आप लोगों को अच्छी तरह से देखना है कि दिस द ICSC, ठीक है, इनिशियल सर्कुलर स्केल कोइंसिडेंस। तो हम लोग ICSC जब काउंट करेंगे या फिर जब मेज़र करेंगे तो हम लोग कर्व्ड सरफेस को लेंगे, ठीक है, और जब हम लोग FCSC फाइनल सर्कुलर स्केल कोइंसिडेंस लेंगे तब हम लोग प्लेन सरफेस को लेंगे और बाय प्लेन ग्लास को यूज़ करेंगे। सो फॉर द कॉन्वेक्स सरफेस, फॉर द कॉन्वेक्स एक्सपेरिमेंट, द ICSC इज फॉर द कर्व्ड सरफेस एंड FCSC इज फॉर द प्लेन सरफेस, ठीक है। तो वही वाला डिफरेंट हो जाएगा कॉन्केव के लिए, द ICSC इज फॉर द प्लेन सरफेस एंड FCSC इज फॉर द कर्व्ड सरफेस, ठीक है। सो कॉन्केव में
दिस वन, ये जो केप वाला पार्ट होगा वही होगा इसका कर्व सरफेस, ठीक है। सो हम लोग फॉर द कॉन्वेक्स सरफेस देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या क्या लेंगे। सो फर्स्ट टेबुलेशन इज फॉर द हाइट, फॉर मेजरिंग द हाइट ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस। तो इस पर हम लोग क्या क्या कॉलम लेंगे वो देख लेते हैं। सो द कॉलम्स इन द टेबल आर फर्स्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप लोगों को 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना है और 10 नंबर ऑफ रीडिंग्स लेना है। देन इनिशियल सर्कुलर स्केल कॉन्सिडेंस जो कि ICSC है। देन नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन, तो जैसे स्क्रूज गज में बताया था कितने नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन हो रहे हैं वो भी यहाँ पर वही सेम टाइप का ही होगा। सो विल गेट टू सी दिस हियर। सो फाइनल सर्कुलर स्केल कॉन्सिडेंस जो कि FCSC है, जो हम लोग प्लेन ग्लास को लेके इसका मेजरमेंट निकालेंगे। देन एक्स्ट्रा डिवीजन इज I-F। सो ये जो यहाँ पर एक्स्ट्रा डिवीजन है ये आप लोग कैसे निकालोगे? सो अगर यहाँ पर ICSC दैट इज डिनोटेड एज I, यहाँ पर दो केस होगा, या तो I का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन FCSC वैल्यू होगा, या फिर I विल बी लेस देन F, I जो होगा वो F से लेस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर हम लोग I-F करेंगे I इज ग्रेटर देन F की केस में, तो I-F विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। सो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट I-F फॉर्मूला को यूज़ करेंगे टू फाइंड द एक्स्ट्रा डिवीजन। देन हम लोग ये जो जब केस होगा I इज लेस देन F, तो यहाँ पर हम लोग अगर डायरेक्ट करेंगे I-F सो इट विल गिव ए नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू को हम लोग यहाँ पर वैलिड काउंट नहीं करेंगे। सो हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे I प्लस 100 माइनस F। सो यहाँ पर हम लोग ऐसे करके हम लोग पॉजिटिव क्वांटिटी निकालेंगे। तो अगर केस है I इज लेस देन F, तो फार्मूला फॉर एक्स्ट्रा डिवीजन इज I प्लस 100 माइनस F, एंड इफ I इज ग्रेटर देन F तो फार्मूला फॉर एक्स्ट्रा डिवीजन इज I माइनस F डायरेक्ट। तो वही वाला केस भी आप लोगों के स्क्रूगर्स में भी था। तो उसके बाद है पिच स्केल रीडिंग। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पिच स्केल रीडिंग PSR का फॉर्मूला है, पिच मल्टीप्लाइड विथ टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन दैट इज N। देन सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR जो कि लिस्ट काउंट मल्टीप्लाइड विथ एक्स्ट्रा डिविजन्स करके हम लोग निकाल सकते हैं। देन हाइट ऑफ द कर्व जो होगा वो पिच स्केल रीडिंग एडेड विथ द सर्कुलर स्केल रीडिंग करके हम लोग निकाल सकते हैं। देन मीन हाइट, ये 10 वैल्यूज निकाल सकते हैं यहाँ से, और हम लोग यहाँ पर बाय एडिंग ऑल द 10 वैल्यूज एंड डिवाइडिंग द सम विथ 10 हम लोग यहाँ पर मीन निकाल सकते हैं, विच विल बी द हाइट ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ दिस कर्व सरफेस जो एच वैल्यू होगा। तो हम लोग देखते हैं कि अपैरेटस को कैसे यूज़ करते हैं। सो हम लोग इसको ऐसे रखेंगे, एज यू कैन सी यहाँ पर 3/4 है, ठीक है। अगर ये ठीक इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं रुक रहा है देन दिस विल बी अनबैलेंस। सो हम लोगों को यहाँ पर ऑल द थ्री फोर्थ्स एंड द स्क्रू को उस सरफेस में एडजस्ट करना है। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसके यू हैव टू पुट ए थिन पेपर, ठीक है, यहाँ पर ये पेपर मूव क्रॉस करके नहीं जा पा रहा है उस साइड। सो दिस इज द पोजिशन, दिस इज नाउ द इक्विलिब्रियम पोजिशन और इन हुइच पोजिशन यू आर टेकिंग द काउंट, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग ICSC का वैल्यू देखेंगे। सो एज यू कैन सी ये क्या है, दिस वन इज अ लीनियर स्केल। सो ये जो लीनियर स्केल का लाइन है, ठीक है, दिस लाइन, ये सर्कुलर स्केल के कौन से डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है? सो यहाँ पर ये 9 डिवीजन एंड 10 डिवीजन के बीच में है। सो हम लोग यहाँ पर ICSC को लेंगे 9।
सो जिस डिवीज़न को वो क्रॉस कर गया है वही वाला हम लोग यहाँ पर लेंगे। देन इसको यहाँ से निकाल के हम लोग एक प्लेन ग्लास में रखेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि प्लेन ग्लास में दिस पेपर इज पासिंग थ्रू द स्क्रू, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे जैसे ऑल द फोर पॉइंट्स विल टच द ग्लास। सो जब हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन से पॉइंट और कितना रोटेशन कर रहा है। सो वन रोटेशन, टू रोटेशन, देन सो यहाँ पर दो रोटेशन के बाद वो और मूव नहीं कर रहा है। सो विल चेक हियर, ठीक है। सो दिस पेपर, ये जो पेपर है इसके थ्रू पास नहीं कर रहा है। सो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अब ये लीनियर स्केल इसके सर्कुलर स्केल के कौन से डिवीज़न से कॉइंसाइड कर रहा है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दिस डिवीज़न इज कॉइंसाइडिंग विद द 88 एंड 89 के बीच में है। सो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो द FCSC रीडिंग इज 88। तो नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन कितना हुआ, दो टोटल रोटेशन हुए और दो कंप्लीट रोटेशन हुआ है। सो द नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन इज 2 हियर। सो एक्स्ट्रा डिवीजन हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि द ICSE आई वैल्यू इज 9 एंड एफ वैल्यू इज 88। तो यहाँ पर कौन सा केस होगा, यहाँ पर केस होगा हियर आई इज लेस देन एफ। तो यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा डिवीजन के लिए फॉर्मूला डालेंगे आई प्लस 100 माइनस एफ, ठीक है। सो इट विल बी 109 माइनस 88। सो इट विल बी 21। सो एक्स्ट्रा डिवीजन इज हियर 21। तो ऐसे आप लोग 10 ऑब्जर्वेशन इसको लोगे। फॉर अनदर ऑब्जर्वेशन फिर से हम लोग इसके कॉर्ड सरफेस पे रखेंगे, इन थ्री पॉइंट्स को एडजस्ट करेंगे जैसे थ्री पॉइंट्स इक्वली टच करेंगे इस सरफेस को, कॉर्ड सरफेस को। देन लाइकवाइज जैसे प्रीवियस ईयर के कॉपी में आप लोग देख सकते हो वो लोग 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए हैं, दैट इज 95, 97 अकॉर्डिंगली। देन इनका नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन हुआ 3। तो जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन कभी चेंज नहीं होता एक सरफेस के लिए, इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। बट आप लोगों को हर एक बार करके देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ रोटेशन हो रहे हैं, ठीक है। सो FCSE हियर द फाइनल सर्कुलर स्केल कॉन्सिडेंस इज 69, 69, 68, 70 अकॉर्डिंगली। यहाँ पर 10 रीडिंग्स उन लोगों ने लिया है। सो हियर एज यू कैन सी 95, दैट इज द वैल्यू ऑफ आई इज ग्रेटर देन द 69, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ। तो यहाँ पर उन लोगों ने डायरेक्ट ही सब्सट्रैक्शन कर दिया है 95 माइनस 69 विच विल बी 25। तो वैसे ही इन लोगों ने 10 वैल्यूज निकाला है। देन जैसे बोला था कि PSR दैट इज पिच स्केल रीडिंग, तो उसका फॉर्मूला क्या था, पिच इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन। तो PSR फॉर्मूला इज पिच इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि पिच का जो वैल्यू होगा वो होगा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर भी स्क्रू गज की तरह वही केस है कि ये एक अगर कंप्लीट रोटेशन करेगा, ठीक है, लेट आई एम टेकिंग हियर जीरो, यहाँ पर जीरो है, ठीक है। सो और यहाँ पर देखिए दिस वन इज 3 लीनियर स्केल पे, स्केल के थ्री डिवीज़न पे है। तो इसको मैं एक कंप्लीट रोटेशन करती हूँ, अगेन इट इज एट 0, ठीक है। तो अब हम लोग देख सकते हैं दिस इज एट 0.2, ठीक है। तो एक रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में ये कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। सो दिस इज द वैल्यू फॉर द पिच हियर।
सो यहाँ पर पिच का वैल्यू है 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, पिच डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। सो सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन्स था, सो लीस्ट काउंट इज 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग पी एस आर का वैल्यू पिच विच इज 0.1 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ कम्प्लीट रोटेशन तो इन लोगों का यहाँ पर निकला था 3। सो इसको मल्टीप्लाई करके वो लोग निकाले हैं 0.3। सो अकॉर्डिंगली ये नंबर कंप्लीट रोटेशन सेम था, सो पी एस आर का वैल्यू भी सेम हुआ। देन आता है सर्कुलर स्केल रीडिंग, दैट इज सी एस आर। तो सी एस आर का फॉर्मूला था लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड विद द एक्स्ट्रा डिविजन्स। सो सी एस लीस्ट काउंट क्या है, यहाँ पर लीस्ट काउंट है इसका 0.001 सेंटीमीटर। सो मल्टीप्लाइड यहाँ पर एक्स्ट्रा डिवीजन इसका हर एक का डिफरेंट है, सो अकॉर्डिंगली विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज फॉर द सी एस आर। तो देन उसके बाद इस कॉलम में हम लोग हाइट निकालेंगे जो कि होगा सम ऑफ द वी एस आर वैल्यू एंड सी एस आर वैल्यू। तो यहाँ पर 0.3 समड विथ 0.025, सो इट इज 0.325। अकॉर्डिंगली यहाँ पर 10 वैल्यूज निकाले हैं, सो मीन इज ये 10 वैल्यूज को ऐड करके मीन निकाले हैं, सो इट इज 0.3284। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस टेबुलेशन। देन हम लोग आते हैं उसके सेकेंड टेबुलेशन में जो कि हम लोग डी को निकालने के लिए यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूला जो वर्किंग फार्मूला आप लोगों का था आर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 6s, तो इस डी का वैल्यू हम लोग सेकेंड टेबुलेशन से निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले बोला था कि वी हैव 3 फूड्स हियर, इन दिस अपैरेटस यू आर गेटिंग 3 फूड्स एंड लेट वी आर डिनोटिंग द फूड एज ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। सो इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, एक क्लीन पेपर, ठीक है, विल टेक ए क्लीन पेपर, देन आप लोग इसको करें यहाँ पर विल प्रेस, यहाँ पर आप लोग प्रेस करोगे। ठीक है, विल प्रेस दिस सेपरेटर्स हियर। सो अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिल सकता है, दैट इज ए बी एंड सी, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। सो आप लोग ए बी एंड सी को ज्वाइन कर देना। ठीक है, सो ऐसे ही आप लोगों को 3 फिगर्स लेना है बिकॉज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन योर सेकेंड टेबल विच इज फॉर द कैलकुलेशन और फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डी यूनिट 3 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो विल टेक 3 फिगर्स। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पर ए ए बी बी सी एंड ए सी का वैल्यू निकाल सकते हो बाय यूजिंग द प्लेन स्केल। ठीक है, सो प्लेन स्केल को डाल के यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दिस इज 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4.2 सेंटीमीटर, दिस इज 4.1 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4.1 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर दिस इज ऑल्सो 4.1 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर फॉर द फर्स्ट फिगर यू आर गेटिंग ए बी एज 4.1, बी सी 4.1 एंड सी ए इज 4.1। ठीक है, तो वैसे ही सेकेंड फिगर के लिए भी आप लोग ले सकते हो। सो बाय एडिंग एंड डिवाइडिंग विथ 3 यू आर गेटिंग ऑल 4.1 वैल्यूज। सो इसका भी मीन निकालोगे, सो इन तीनों को ऐड करके बाय डिवाइडिंग इट विथ 3 यू विल गेट द मीन डायमीटर। सो यहाँ पर आप लोगों को डी का वैल्यू मिल गया। देन उसके बाद आप लोग उन दोनों एच का वैल्यू एंड डी का वैल्यू को क्या करोगे, वर्किंग फार्मूला में पुट कर दोगे। सो फ्रॉम टेबल 1 द हाइट ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस एच इज 0.3284 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम टेबल 2 द डायमीटर डी इज 4.1 सेंटीमीटर। सो हम लोग यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं विच इज आर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 4h एंड इसको हम लोग निकाल लेंगे जब, देन विल गेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर वैल्यू इज 8.6942। सो ऐसे ही आप लोग कॉन्वेक्स सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो।